नींद नहीं आवत पड़े रहते सब कुछ पड़े रहते अब सिर्फ पड़े नहीं रह जाता रात दिन खबर दाना पानी भी था तो खबर नहीं रात भर नींद नहीं लागत। ये केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और जहां गरीबों की बस्तियां हैं वहां से जो है रिंग रोड निकालने का काम किया है। रिंग रोड फेज टू जो है वो रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी के लिए बनाई जा रही है। ये मास्टर प्लान इसका नाम दिया है जो इसका प्लान केवल एक होना चाहिए राजेंद्र शुक्ला प्लान। विचारों के घर एक बार रेलवे में चले गए नहर में जमीनें चली गई बचा कुचा घर अब वो विस्थापित होने के कगार में है। नमस्कार विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ विराट स्पेशल लेकर। आज मुझे याद आती है वरिष्ठ व्यंगकार मधुक जी की चंद लाइनें जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब अखाड़े में दो हाथी लड़ते हैं तो बाहर खड़ी जनता ताली बजाती है लेकिन अखाड़े की घास बहुत रोती है। मधुक जी के व्यंग का अर्थ था राजनीति की लड़ाई लड़ने वाले अपने हितों के लिए घास रूपी जनता को कुचलते हैं। हमारी खबर का उद्देश्य भी यही दिखाना है कि रीवा में बदले की राजनीति किस तरह से की जा रही है और घास रूपी जनता किस तरह से कुचली जा रही है। एक टुकड़ा हुआ बाईपास में चली गए अब एक टुकड़ा यह हो गया थोक बचा ये थे अब वो का ही बचा तीन टुकड़ा हो गया। पहले रेलवे ले लिया इधर से सड़क ले सड़क ले अब वो कोई काम में न रह जाएगी। एक उन काम में मन थे जहाँ भाई ठड़े रही वहीं तैयार चला गया अब लागत मना घुसा रहा था कहाँ से कहाँ कहाँ कर है। तो हमने जमीन खरीदा है हमारे घर के पश्चिम साइड जो है 2266 है उसका मुआवजा हमको नहीं मिला है बाकी पूरा साइड का मुआवजा मिल चुका है जो मिला है हम मकान रहने के लिए बना रहे हैं। तो क्या दिक्कत कैसे पटवाएंगे ये कर्जा लेके खरीदे होंगे जमीन और 20 जमीन है सड़क निकल जाएगी सब मजदूरी करके पटवाएंगे जो अब ले लिया है शासन तो हम क्या कर सकते हैं नहीं है लेकिन हमको जो हमने पैसा दे कर लिया है उसका हमको सरकार कुछ दे तो हम कर्जा पटा सकते। तो कहीं प्रयास किए आप किसी से बात किए कहीं शिकायत सर हम प्रयास किए हैं ये देखिए हमारे पास ये पावती है हम शासन को मैंने लिखित में अवगत कराए हैं कि हमने हमारी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। क्या कहते हैं लोग क्या आश्वासन दिया अनुशासन वहाँ से मैं सर कोई सुनवाई नहीं है न कोई सुनने वाला है न कोई कुछ करने वाला। अरे दिक्कत वह परेशानी आई और घर के आस पास हमारे को घर नहीं का मंदिर गला गिरा जाता है घर उधर गिरा जाता है कहाँ घर बना पाई जमीन नहीं आए और घर बनाई कहाँ दिक्कत हो गई बेचारे कहाँ अपलाई कहाँ बसाई कहाँ उनका राखी पुस्तैनी निवास है आप लोगों का यहाँ। जी हाँ 20 से सड़क निकल जाएगी तो आधी जमीन इधर उधर बट जाएगी कोई काम नहीं रह जाएगा काम का नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग चाहती है कि हजूर तो कटिया से कई रोड तक हम पंजे पर बढ़े आई तो यहाँ के विधायक उधायक उनसे बात नहीं किए कोई कोई सुनवाई नहीं कोई राजनीति में बदला लेने का पुराना प्रचलन है शायद जिसे ही बदलापुर कहते हैं लेकिन अब शांति का टापू कहा जाने वाला रीवा भी बदलापुर की राजनीति से प्रेरित हो रहा है। कोई झूठे मामले में फंसा कर तो कोई किसी पर कीचड़ उछाल कर बदला ले रहा है। जब दो हाथी अखाड़ों में कुश्ती लड़ रहे होते हैं तो बाहर खड़ा व्यक्ति ठहाके लेता है लेकिन अखाड़े की घास का दर्द कोई नहीं पूछता। इस समय राजनीति करने वाले हाथी उस घास रूपी जनता को कुचल रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं इन दिनों रीवा शहर को समदड़िया नगर बनाने की चल रही तैयारियों की जो कार्य योजना 2035 की तैयार की गई है इसके पीछे छिपे मकसद की मकसद यह है कि पुराने रीवा से वर्तमान विधायक को वोट ना मिले जिसके चलते अब सकरी गलियों वाले पुराने रीवा की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है जिसका उद्देश्य यहां रहने वाले लोगों पर अगले चुनाव के लिए दबाव बनाना है। दूसरी तरफ रीवा का 10 जनपद कहा जाने वाला मार्ग जहां VIP लोगों के घरों को जाने वाला मुख्य मार्ग है यहां कई रसूखदार जनप्रतिनिधि खुद पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला वक्फ बोर्ड की जमीन पर रह रहे हैं वहां भी तंग गलियां हैं उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है उन गलियों का कहीं मास्टर प्लान में जिक्र भी नहीं है। सवाल यह उठता है कि जो लोग इस योजना से प्रभावित होंगे क्या उनके मकानों के नक्शे पास नहीं कराए गए होंगे। जी हाँ कराए गए हैं टैक्स दे रहे हैं लेकिन गलती यह कर दी कि राजेंद्र शुक्ला को 2018 के चुनाव में वोट नहीं दिया जिससे अब सड़कों और नालों की चौड़ाई 6 मीटर से 9 मीटर की जा रही है। दूसरी ओर रिवर फ्रंट के नाम पर नदियों की चौड़ाई 50 मीटर से घटाकर
30 मीटर की जा रही है और एनजीटी की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्थानीय प्रशासन पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक के दबाव में एनजीटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने की तैयारी में है। विरोधियों का आरोप है कि पूर्व मंत्री का दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि सड़क नालों की चौड़ाई बढ़ाने से वोट ना देने वाले प्रभावित होंगे और आने वाले चुनाव में दबाव बनाया जाएगा। वहीं नदियों की चौड़ाई कम करने से प्राइम जमीनें खाली होंगी, उन्हें अपने चहेते बिल्डरों जैसे समदड़िया बंसल के नाम से हथियाई जाएंगी, क्योंकि धूल नगरी रीवा में बेशकीमती जमीन बची नहीं है, तो रीवा के मूल निवासियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और बाहर के बिल्डरों को रीवा शहर सौंपा जाएगा। आप देखोगे तो 9 मीटर तक की रोड ली गई है। अब आप गल्ला मंडी से आप घुसो और एमपीएबी होते हुए अर्जुन नगर की गली में घुसो, आप अर्जुन नगर तरफ वो सिंधियों की कॉलोनी से गली से घुसो तो क्या वो 10 फीट की रोड है? बहुत होगी 15 फीट होगी। उसको आपने 9 मीटर लिया, तो मैंने ये लिखा है कि उसमें 9 मीटर दर्शाया गया है। यहाँ तक कि गल्ला मंडी से अर्जुन नगर को जाने वाली रोड इसमें वर्णित है 9 मीटर, जिससे प्रत्येक घर अतिक्रमण के चपेट में आएंगे अगर एवं अगले चुनाव में दबाव की राजनीति या दया के उपकार से वोट का खेल होगा। वहीं दूसरी तरफ रीवा का 10 जनपद, रीवा का 10 जनपद कौन है? VIP लोगों के घर जाने वाला मुख्य मार्ग महिया से अर्जुन नगर द्वारिका नगर होते हुए PTS चौराहे तक का कोई जिक्र नहीं है। वो रोड जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उसको क्यों नहीं लिया जा रहा? और इसकी नहीं कोई चौड़ाई निर्धारित है, जबकि कम से कम इसकी 18 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, जो आज अभी है भी, लगभग मिल भी जाएगी, 15 मीटर तो मिल ही जाएगी, इसको क्यों नहीं कर रहे? इसी तरह रतहरा से चौराहा मार्ग की चौड़ाई 40 मीटर रखी गई। 40 मीटर में यहाँ राजनीतिक दावपेच का खेल है। रतहरा से आप चले जाओ चौराहा तक, हमारा घर नहीं है उसमें। उसमें अगर आएगा तो गिरीश गौतम जी का घर आएगा, उसमें आएगा तो नागेंद्र सिंह जी का वो आएगा, उसमें आएगा तो और लोगों का आएगा, हमारे ब्राह्मण समाज के त्रिपाठी जी का आएगा। इस टाइप से तो इसको 40 मीटर में सबको, जबकि मौके में वो 30 मीटर बामुश्किल, तो उसको क्या ज़रूरत है कि 40 मीटर करने की? उसको 30 मीटर करके इससे लोग भी राहत में कर सकें और आपका काम भी हो जाए। सभाजीत यादव थे तो बारात घरों पे चाबुक चल रहा था ना, तवेलों पे चाबुक चल रहा था ना, अब क्यों? ये टाउन कंट्री प्लानिंग बनाने का क्या तात्पर्य है अगर आपने बारात घर का जिक्र नहीं किया? ऐसा आपका प्लान 2035 किस काम का, जिसमें बारात घर और तवेलों के लिए आपने कोई जगह आरक्षित नहीं की? आपने उसका जिक्र नहीं किया। आप केवल औद्योगिक इसका उसका आवासीय वो बढ़े तो वो सीधे दिख रहा है, इसका जिक्र नहीं आ रहा है। साथ ही रीवा विकास योजना में शामिल किए जा रहे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित आबली ग्राम पंचायतों पर दावा आपत्ति हेतु समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से अति आवश्यक। गाँव का आदमी जो कुछ जान ही नहीं रहा वो लिंक पढ़ेगा भैया, और वो भी आप दो अखबारों पे, एक अखबार आप 10 नवंबर को निकाल रहे हो और जबरन स्वीकृत किए दे रहे हो, अभी अगला 11 तारीख को बैठक रखे हो, 5 मिनट में खटापट कर दोगे, लोग चिल्लाते रहेंगे और इसके बाद वही फिर एक आतंक का माहौल, फिर से लोगों को परेशान करना। रेलवे स्टेशन के सामने से प्रस्तावित मार्ग जो ये लेके आ रहे हैं इधर से अंदर करही और रैया से घुमाते हुए वहाँ पर, इस पे हमारा इसको रेलवे की जमीन के आगे भी डाल दिए, तो हमने ये लिखा है कि इसमें जो रक्षा मंत्रालय या रेलवे है इसके अनापत्ति के पहले हम मनमानी नहीं कर सकते, उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र किया जाए, ये तो एक सामान्य सी बात। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्राम पंचायतों के आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु एक सप्ताह की अवधि बढ़ाने का मैंने सुझाव दिया कि सरकारी नियमों के अनुरूप कि राज्य स्तरीय समाचार पत्र में कम से कम 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी होना आवश्यक है। उसकी कोरम पूर्ति के लिए आपने 10 नवंबर को निकाला और उसमें भी क्या किया है कि लिंक दिया है, गांव की जनता बिचारी लिंक से अपना आवेदन देगी, लिंक खोलेगी तब उसके अंदर का रहस्य जानेगी कि इसके अंदर क्या है, जबकि एक लाइन में लिखा जा सकता है कि दावा आपत्ति फलाने हैं तो इसकी 30 अक्टूबर डेट है, खोलने पर दावा आपत्ति का समय 30 अक्टूबर अंकित दिखाई दे रहा है। मैंने अगर हम 10 नवंबर का अखबार पढ़ें और हम करना चाहें तो उसमें लिखा है कि 30 अक्टूबर की डेट निकल चुकी है।
इससे कहानी खुद ब खुद बया होती है कि ग्रामीणों एवं प्रभावितों को धोखे में रखकर उन्हें दावा आपत्ति करने से दूर रखा जाए। रीवा रिवर फ्रंट बिहार नदी की चौड़ाई रीवा विकास योजना 2010 में 50 मीटर रखी गई थी, इसको 2021 बोलेंगे, एवं वर्तमान में रीवा विकास योजना 2035 में 30 मीटर का प्रावधान कर दिया गया, जबकि ऐसा किया जाना भूमि सुधार अधिनियम 2012 एवं एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन है। ये है भूमि सुधार अधिनियम, इसके अनुरूप अगर कहीं नदी है तो 50 मीटर से कम कोई सरकार कर ही नहीं सकती, फिर उसके लिए कैबिनेट वहां विधानसभा में अधिनियम बदलना पड़ेगा कि भूमि सुधार अधिनियम में यह प्रावधान रखा जाए कि जो मुख्य नदियां हैं माने बिहार बिचिया जैसी, इसको 50 मीटर से कम किया जाए, तो उसके लिए विधानसभा में पूरा करना पड़ेगा। तो जब एक किताब एक नियम कानून एक बुक है जिसमें लिखा है मिनिमम 50 मीटर, आप उसको 30 मीटर कैसे कर सकते हो? 30 मीटर इसलिए आप कर रहे हो ताकि वो दीवार का किसी तरह जो पेट भराई है कोरम पूर्ति हो जाए, क्योंकि उसके बदले आपने बहुत महत्वपूर्ण जमीनें या किसी ने भी ले रखी हैं, तो उसको आपने 30 मीटर करने का प्रावधान रख दिया, जबकि ऐसा किया जाना एनजीटी और इसका उल्लंघन है भूमि सुधार नियम का। वहीं दूसरी तरफ रीवा विकास योजना 2010 में नालों की चौड़ाई जैसे धीरी झिरिया अमहिया धीरमा जितने भी नाले सबकी चौड़ाई 4.5 से 6 मीटर और इन्होंने 4.5 से 6 रखा भी था 2021 वाले में, अब इसको 9 मीटर करने की क्या जरूरत है? नदी को आप कर रहे हो 50 से 30 मीटर और जहां हर गली में घर बने हैं हर नालों के किनारे घर बने हैं बड़े मुश्किल से उनको 4.5 मीटर बचाना मुश्किल पड़ा है वहां पर, और उन्होंने नगर निगम से वही 4.5 मीटर के आधार पर अपनी मंजूरी ले रखी, अब आप 9 मीटर कर दोगे तो उनका तो सब पर घर अतिक्रमण की चपेट में आ जाएगा, पूरा रीवा हाथ जोड़े गेट में खड़ा रहेगा कि साहब मुझे बख्शो मेरा घर न गिरे, और कानून ऐसा होता है कि कानून में आ गया तो जरूरी थोड़ी है कि हम सब पे एक साथ गिराएं, हम आप पे नाराज होकर आपको गिराएंगे, आप बोलोगे साहब सबका बना है उसका क्या क्यों नहीं गिरा रहे, बोले अभी टाइम नहीं है फिर उसका भी देखेंगे, मैंने जो आवाज उठा दे उसी को गिरा देंगे। मुख्य रूप से जो वोट की राजनीति हमारे यहाँ जातिगत और संप्रदायगत समीकरणों में होती है तो उसमें इसका बहुत दुरुपयोग होता है, फिर इसको उल्टा मतलब 9 मीटर कर दिया गया, एवं 9 मीटर किए जाने से अधिक लोग अतिक्रमण की चपेट में होंगे एवं शहर वासियों में अतिक्रमण को लेकर सत्ता का भय बना रहेगा। मुझे एक बैठक में बुलाया गया था, सबसे पहले उसके सांसद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष फिर उसमें वो रीवा के विधायक, बाकी विधायक नहीं है क्योंकि रीवा और उससे लगी हुई एरिया का विस्तार होना है, एवं मुख्य रूप से रीवा विकास योजना 2035 में शामिल किए जा रहे ग्रामीण भूभाग से संबंधित जनहित को सुरक्षित रखना, क्योंकि ग्रामीण एरिया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो रही, प्रशासन द्वारा आम जनमानस के विरुद्ध या सत्ताधारी राजनेताओं के सुनियोजित हित में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है ऐसा मुझे लगा। इसी तरह पूर्व में TNCP के मैप में जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है तो भूमि के लिए जो नक्शे में दिखाई गई थी वो स्वीकृत नक्शे से 60% हटकर बना दी गई, निर्माण कैसे करा दिया गया? चलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा वो। फिर आगे चलिए समदड़िया बिल्डर्स या अन्य को पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत जो भी पहले कौड़ियों के दाम भूमि लुटाई गई थी उसका भूमि का आवंटन विकास योजना 2010 में क्यों नहीं लिया गया? विराट 24 न्यूज ने एक वर्ष पहले ही 2020 में रिंग रोड फेज 2 का खुलासा किया था, जिसमें हमारे द्वारा दिखाया गया था कि ठेकेदार सुनीता शुक्ला को 200 करोड़ का अतिरिक्त लाभ किस तरह से होगा। उस खबर को देखने के लिए आप नीचे लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मास्टर प्लान 2035 की और रिंग रोड फेज 2 की। हाल ही में रीवा का मास्टर प्लान 2035 बनाया गया, जिन जमीनों से फेज 2 रिंग रोड गुजरने वाली है वहां की जमीन पूर्व मंत्री के रिश्तेदार सहयोगियों और व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं की है। उन जमीनों को कॉमर्शियल होने का दर्जा देकर पूर्व मंत्री के द्वारा अपने चहेतों को शासकीय मुआवजा देकर बेहिसाब लाभ पहुंचाया जाएगा। वही बदकिस्मती तो किसानों की है जिनकी जमीनें रिंग रोड फेज 2 के प्रोजेक्ट के दायरे में आती हैं। उन्हें अब अपनी जमीनें बेचकर टैक्स चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पहले जमीन रेलवे ने ले ली तो किसानों की जमीन दो फांट हो गई,
अब जो बची थी उसका मुआवजा भी नहीं मिला और रिंग रोड की चपेट में आ गई है। हमारी टीम ने मौके पर जाकर उनका दर्द सुना तो आंसू निकल पड़े। आप भी देखिए। अब अलग अलग चाहिए लड़का बच्चा कहाँ जाइए वहाँ बच्चे की हम बच्चे कहाँ जाइए मैंने क्या करे जब कौन मेरा व्यवस्था बनावे मान जा दिन को 16,000 दिन को 3,00,000 दिन को 9,00,000 एक है माथे होई बताइए हां पांच जन से आने अच्छा अच्छा से दूसरे से लड़का है सब के थे हैं तो को घर में व्यवस्था को कर सका थे बताइए कहां से व्यवस्था कर मांगे बीच में चला गया और इधर से बाईपास से जाएंगे फिर कहां जाएंगे वो जो जमीन बची है नाले के पास बची वहां तो हम लोग को 20,00,000 10,00,000 रुपए लगेगा मिलेगा 4,00,000 रुपए तो उससे क्या ही होगा कैसे मानेंगे हो पाएगा पूरा बीसनपुर तो भैंसी है जान है ससुर गला बूढ़ भाई के कुछ नहीं हो पाएगा 4,00,000 रुपए मिले तो उससे क्या होगा बताइए आप लोग बता दीजिए यहां परिवार एक जने में 3 बच्चे हैं तो उनकी बहू आ गई बच्चे भी हैं क्या चाहती हैं आप लोग की इसका दिशा जो है तो बदली जाए दूसरी तरफ ऐसा वहाँ से जब नहीं जो दूसरी वो वाली बनाए थे पहले वहाँ से मतलब घर और नहीं फंसता था यहाँ से फंसने लगा वहाँ से था तो कोई घर और नहीं फंसता था क्या कौन के घर 4 से 5 न हो चाहिए खबर आई नहीं ऐसा सोच सोच दिमाग में की सोच चढ़ी लागत ये सोच कुछ पहले रेलवे वाले ले लिए फिर अब सड़क वाले ले ले रहे हैं तो कैसे गुजारा हो नींद नहीं आवे परे रहते सब को परे रहते सब परे नहीं रह जाता रात दिन खबर गाना पान भी था तो खबर ही नहीं थी ओ की आवे ना क्यों वक्त बताइए बाबा ने रात भर नींद नहीं लागा उनकी जमीन जो नेताओं की रहती है उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा उनका टोल टैक्स मिलने लगेगा तो अपने लिए सब कर रहे हैं ये मुआवजा हमारी पचे सबको बराबर दे तब हम कहे घर चला जाए तुम्हें कहाँ तुम्हारी खरीद के बना जगह नहीं यह है घर उजड़ने का दर्द जो किसी नेता अधिकारी को नहीं दिखेगा जो अपनी गाढ़ी कमाई जुटा कर घर बनाता है चंद लोगों को लाभ देने के लिए उसे उजाड़ दिया जाए तो दर्द उन्हें होता है जिनकी खून पसीने की कमाई लगी होती है। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों को और किसानों को कि किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया है। यही चढ़ा 5 एकड़ तो सब चला गपका कर तो मना सुखा जाके 5 एकड़ जा घर ही ताधा कहीं चली गया था कहीं वो तो संतोष रखन के भी बनल है अभी हम मेरे दीस नहीं कहा कि तो करे जानी कहा कि जुड़ाएगा मुस्कान पे रोज आएगी पारों के रोज कहीं इसको घर हटाओ तो हम कहें भगवान किसान मनाई गल्ला चारा गोरू कहाँ कहीं बांध दी कौन आया था बोला हटाओ जेसीबी वाले पहले ट्रेन पटरी निकली पहले तो क्या रेलवे लाइन ले लिया जो जमीन बची थी अब हमारे पास जमीन है जो कुछ भी बची है घर बनाने के योग्य नहीं है इसलिए कि बीच से फट गई है और मुआवजा की बात जो हुई है तो हमारे पिताजी 4 भाई हैं चारों भाइयों के बीच में जो है मुआवजा कम आया है अब चारों भाइयों के बीच में हमारे लड़के बच्चे जैसे हम भाई पट्टीदार हो गए सबका मकान अलग अलग तो मुआवजा उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से हम लोग घर बना सकते तीन लाख रुपए में घर बनेगा तो बीच से सड़क निकल जाएगी जमीन से आधी इधर जमीन दूसरी तरफ चली जाएगी तो वो भी उपयोग में नहीं रह पाएगा कुछ नहीं है ना इधर का है ना उधर का है और उधर का है कि पूरा नाला है नाला में घर बनाने लायक है नहीं इतना पैसा है नहीं कि हम लोग घर बना सकते क्या चाहते हैं कि कुछ इसका डाइवर्ट किया जाए या रोका जाए तो सही मुआवजा दिया जाए अगर रिंग रोड निकालना है नहीं दिया जा रहा है तो फिर इसको कैंसिल किया जाए आप लोग जैसे रह रहे हैं वैसे कम हम उसी तरह रहेंगे हम अपना गुजारा कर लेंगे। आपने सुना गम इस बात का नहीं है कि रिंग रोड बन रही है गम तो इस बात का है कि उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला करोड़ों की जमीनें लाखों में चली गईं और बेघर भी हो रहे फरियाद स्थानीय विधायक से लेकर अधिकारियों तक की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पहले हम आपको सुनाते हैं आवाज उठाने वाले किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी को जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से किसानों का शोषण कर अपने चहेतों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आज यहाँ पे किसानों से मुलाकात की आप शिलपरा बस्ती जो है यहाँ की वहाँ पे गए हैं मिलने बिचारों के घर एक बार रेलवे में चले गए नहर में जमीनें चली गई बचा कुचा घर अब वो विस्थापित होने के कगार में है उन्हें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर घर खाली करें उनके घर में शादी है ये सोचिए कहाँ का न्याय है।
हम आपके चैनल के माध्यम से मानव अधिकार आयोग और अपने रीवा जिला प्रशासन शासन मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं, इतनी चौड़ी रोड की आखिर आवश्यकता क्या थी? आउटर रिंग रोड बनी, वहां पे टोल है, आउटर रिंग रोड किसकी है, रिंग रोड फेस वन किसका है, वहां पे बोर्ड लगाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ के राजनेता बाहर ऑफिस डालते हैं अपने कंस्ट्रक्शन कंपनियों की और फिर रोड बनाते हैं और टोल वसूलते हैं और अपने फायदे के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाते हैं। आप सोच सकते हैं जो ये केमार से लेके केमार से जो रोड ये बन रही सिलपरा उसके बीच में कितनी रोडें हैं, टाइगर सफारी को कितनी रोडें जोड़ती हैं, लिपनिया वाली रोड है, वैसा पड़ोखर वाली रोड है और कुठलिया वाली रोडें, कितनी रोडें हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जी और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी ये चौड़ी रोडों का क्या है अस्तित्व? आप सोचिए, कृषि योग्य जमीनें वैसे भी बर्बाद हो रही हैं, इस रोड की कम से कम चौड़ाई तो घटा देते, रोड बनाना ही था, अपने लोगों को फायदा दिलाना ही था तो कम से कम रोड की चौड़ाई घटा देते। एक गूंगी बहन हमारी वहां रो रही है, लोग सोए नहीं हैं, किसानों के साथ अन्याय करेंगे फिर कहेंगे वो न्यायालय जाएं, किसान कहां से पैसे लाएं लाने जाने के लिए, किसानों के साथ इतना बड़ा अपराध। किसको फायदा होगा इस रोड से? मुक्त रूप से फायदा, हमने कई बार कहा है, रोड निर्माता टोल वसूलने वाले को फायदा होगा और किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे यहाँ के हर राजनेता ठेकेदारी ही उनका काम है, ठेकेदारी करते हैं, अपने काम देखते हैं और उसी में फोटो खिंचा के कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के साथ घोर अन्याय है। और जिसके भी नाम से रोड हो, जो भी डायरेक्टर हो, ये आम आदमी को पता होना चाहिए कि कौन बना रहा है, विकास कैसा हो रहा है। रीवा में जितना विकास हुआ है ठीक है, सबको पैसे चाहिए, सबको काम चाहिए, लेकिन किसी को उजाड़ के विकास न करिए। हर किसान परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पत्थर से बड़ा सर नहीं होता। और हम लोगों के यहाँ दिल्ली के किसान जैसी अभी यहाँ शक्ति नहीं आई है। अगर किसान हमारे उतने शक्तिशाली बन जाते, उन किसानों को सबको कह दिया जा रहा है कि आपको ब्याज सहित मुआवजा भी नहीं मिला है तो क्या हुआ, ब्याज सहित मुआवजा मिलेगा, इसलिए किसान बेचारे चुप हैं, क्या करें। किसान सोचते हैं कि बोलें तो बोलें कहाँ, यहाँ प्रशासन से लेके और राजनेताओं की तरफ से कहा भी जाता है और धमकाया भी जाता है, किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ। किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सुनियोजित ढंग से अपने और अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए रिंग रोड को नेशनल हाईवे का अधूरा अंश बताकर रिंग रोड फेज टू का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अगर कई बार सर्वे होने के बाद भी उक्त रिंग रोड की दिशा बदली थी तो फिर बेबस किसानों और गरीबों के आशियानों को उजाड़ने के लिए षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है? क्या वाकई बदला लिया जा रहा है? आइए आपको सुनाते हैं कुछ और किसानों को। ये जितनी रिंग रोड बनी है ये पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के कार्यकाल में बनी है, ये सारा इन्हीं का प्रस्ताव है। तो जहाँ जहाँ इनकी ज़मीनें या इनके साथियों की ज़मीनें जो काफ़ी एरिया में थी, बड़े प्लाट थे और एकड़ों में थी, उनको इन्होंने सुरक्षित किया है। और जो जहाँ से छोटे छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, तो वहाँ से और जहाँ गरीबों की बस्तियाँ हैं वहाँ से जो है रिंग रोड निकालने का काम किया है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और जो मंत्री जी या सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के खास लोग हैं उनको अधिक मुआवजा दिया जा रहा है और छोटे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये बेहद चिंताजनक एवं निंदनीय है। और ये इसमें भी संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ेगा, चूंकि अभी तक हम लोगों का आंदोलन चल रहा था और बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग जो है हम लोगों से जुड़े हैं जो जिनके छोटे छोटे प्लाट हैं और उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और छोटे खेत हैं तो 20 से रोड निकल गई है और केवल मेड़ के किनारे बचे हैं, तो उनका तो पूरी तरह से जीवन बर्बाद हो गया। तो ये जो है यहाँ के सत्ता सरकार के लोगों को सोचना चाहिए और इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से ये रतारा से और सिलपरा तक जो रिंग रोड बनी थी उसमें भी जो पुल पुलियों का निर्माण हुआ है वो जो है गलत ढंग से किया गया है, जिसके कारण रीवा में बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं और यहाँ भी यही हो रहा है। तो ये सिर्फ अपना जो है विकास करने का काम कर रहे हैं, जो इनका खाका है वो पूरी तरह से रीवा घिर चुका है और जिस तरह से इनके निर्माण हो रहे हैं तो ये ऊंची सोच के निर्माण नहीं है, ना कोई इंजीनियरिंग सलाह है, तो पूरी तरह से रीवा को बर्बाद करने की योजना है और गरीबों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इसमें लड़ाई, पहले भी हम लोगों ने मांग किया था कि आपने जिस तरह से जो बड़ी पुल का निर्माण हुआ था वो राजघराने
किस जब जो है उस समय जब राजघराने के समय जब राजवंशी चल रहा था उसके बाद जो किला की ऊंचाई थी वो किला की ऊंचाई से इंजीनियरों ने बड़ी पुल का निर्माण किया था। फिर पूर्व मंत्री जी की जो एजेंसियां हैं जब इन्होंने काम किया तो जितने चाहे छोटी पुल हो चाहे करहिया हो चाहे बाईपास पुल हो आप देखिए उनको सक्रिय कर दिया गया है। और हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि इसका गहरीकरण जरूरी है। आपने मौत का झूला पुल बनाया। एक रिंग रोड फेज टू जो है वो रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी के लिए बनाई जा रही है। किसानों की भूमि औने पौने दाम पर अधिग्रहित की जाएगी। आपको पता है कि केंद्र की सरकार ने कांग्रेस की सरकार थी तो जमीन का 4 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन शिवराज सिंह सरकार को शक्तियां नहीं होते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश की भूमियों के अधिग्रहण को 2 गुना कर दिया, जिससे हर किसान को आधा उनको मुआवजा मिलेगा और ये मुआवजे का अधिग्रहण उसी प्रकार होगा। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि शिवराज सरकार किसान विरोधी है और ये जो रिंग रोड फेज टू बन रहा वो राजेंद्र शुक्ला जी के लिए बन रहा है। जब यहाँ टोल टैक्स बन जाएगा तो फिर इसी पर राजेंद्र शुक्ला जी फिर टोल टैक्स दिलवाएंगे और फिर औने पौने दाम पर दुगुनी वसूली होगी। ये पूरी तरह से शिवराज सिंह राजेंद्र शुक्ला के द्वारा रिंग रोड फेज टू निर्मित हो रहा है, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के बनाया जाएगा और जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि विकास की गंगा बहाने वाले किस तरह से रीवा को बदलापुर बना रहे हैं। वही नियम अपनों के लिए बदल कर कुछ हो जाता है और वोट ना देने वालों के लिए वही नियम बदल जाता है। क्या पुराने शहर के पुराने मोहल्ले में रहने वाले लोगों को मजबूर कर बाहर किया जा रहा है और शहर की बेशकीमती जमीन अपने चहेते बिल्डरों को देने के लिए मास्टर प्लान 2035 बनाया गया है? अगर नहीं तो फिर अमहिया से लेकर द्वारिका नगर की तंग गलियों को भी चौड़ीकरण करने की योजना क्यों नहीं बनाई गई? आइए आपको सुनाते हैं निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा को कि उनका क्या कहना है। ये मास्टर प्लान इसका नाम दिया है, जो इसका प्लान केवल एक होना चाहिए, राजेंद्र शुक्ला प्लान या भूखास पुरुष प्लान। कहे किसने दिया इसका नाम मास्टर प्लान? रीवा के कलेक्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जो मास्टर प्लान आया है, मैं उसी मास्टर प्लान के अंदर रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। वर्तमान में उस मास्टर प्लान के तहत इस रीवा नगर के अंदर 104 गंदी बस्तियाँ हो गई हैं। इतना बड़ा इस रीवा में विकास हुआ है। ये जो रीवा का मॉडल बताया जा रहा है ना, ये पूरी तरह से राजेंद्र शुक्ला जी सिविल इंजीनियर रहे, ईश्वर करे वो खूब आगे बढ़े, पर इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। मंत्री बने नहीं, उन्होंने अपना साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। मंत्री ना बन पाने के कारण वो अपने फ्रस्ट्रेशन के तहत जहां उनको वोट नहीं मिले उनको वो बिल्कुल लग रहा है कि कच्चा खा जाएंगे, और जहां उनको माला माल लोग करवा रहे हैं उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। आप ये बताओ कि रीवा में 104 गंदी बस्तियाँ कैसे, इसका जवाब कौन देगा? तो मास्टर प्लान जो बना इसका नाम गलत है, इसका नाम होना चाहिए राजेंद्र शुक्ला प्लान। अतिक्रमण की बात करें, अतिक्रमण में तो राजेंद्र शुक्ला जी का खुदाई का घर अतिक्रमण में है, हाईकोर्ट कह चुका है गिराने को, और वो रीवा के विधायक हैं, उनको सबसे पहले यदि उनके वास्तव में नियत पवित्र है और पवित्र शुचिता की बात करते हैं तो उनको पहली जेसीबी अपने घर में चलवानी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गरीब भाई परेशान ना हो, विनोद शर्मा की आखिरी सांस चलती रहेगी तो उनका घर और नहीं गिरने दूंगा। जो अग्रोहा को लाभ देने के लिए तो नहीं, फेस टू रिंग रोड जो बन रही है, किसानों की जो जमीन थी 20 से पहले रेलवे ने ले लिया, जो कुछ बची उसको सड़क में लिए लिया जा रहा है, मुआवजा नाम मात्र का दिया जा रहा है उनकी जमीन। देखिए पूरी तरह से प्लानिंग में, पूरी तरह से मैं उनके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ। एक केमार से लेकर के बेला तक सड़क बन रही है, विज्ञापन निकला है कि नेशनल हाईवे का छूटा हुआ भाग। इस रीवा के बच्चे बच्चे से पूछ लो, राजेंद्र शुक्ला जी से पूछ लो, क्या वो नेशनल हाईवे का छूटा हुआ भाग था? क्योंकि नेशनल हाईवे शब्द लगा दोगे तो उसके जो प्रति किलोमीटर उसका बजट है वो बढ़ जाएगा, और उसमें पूरे रीवा में इन्होंने रीवा को विकास के नाम पे केवल खोखला किया और अपनी जेब भरे। केमार से लेकर के बेला तक सड़क बन रही है, विज्ञापन निकला है कि नेशनल हाईवे का छूटा हुआ भाग। इस रीवा के बच्चे बच्चे से पूछ लो, राजेंद्र शुक्ला जी से पूछ लो, क्या वो नेशनल हाईवे का छूटा हुआ भाग था? क्योंकि नेशनल हाईवे शब्द लगा दोगे तो उसके जो प्रति किलोमीटर उसका बजट है वो बढ़ जाएगा,
और उसमें पूरे रीवा में इन्होंने रीवा को विकास के नाम पे केवल खोखला किया और अपनी जेब भरे, और लोग दोनों हाथ से जेब भरते हैं। राजेंद्र शुक्ला ने दसों अंगुलियों, नीचे की पैरों की 20 अंगुलियों, इन सब से हाय हाय आ जा, ईश्वर देख रहा है, माफ़ नहीं करने वाला इनको। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनको माफ़ नहीं करेगा। अभी भी मैं कहता हूँ और निवेदन करके कहता हूँ कि माननीय विधायक जी, पवित्रता के साथ मैदान में आइए। आपके ईश्वर ने दो आँखें दिया है तो एक आँख में आप बड़े आदमियों को और एक आँख से गरीब आदमियों को मत देखिए, दोनों आँख से बराबर देखिए। पवित्रता के साथ काम करिए और न्याय करिए, और न्याय करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो इसकी सजा ईश्वर जरूर देगा। आपने देखा कि किस तरह से वोट ना देने वाले गरीब किसानों की जमीनों को छीना जा रहा है, कभी रेलवे लाइन के नाम पर तो कभी रिंग रोड के नाम पर। मनमर्जी नदियों की चौड़ाई को घटाकर एनजीटी की गाइडलाइन की जहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं पुराने रीवा की सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है, और वही नियम अगर अपने पर आ जाए तो उसका जिक्र भी नहीं किया जाता। किस तरह से 200 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ पहुंचाने के लिए जनता को घास की तरह से कुचला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।